नमस्कार शिक्षार्थियों, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर परवीन शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर। आज के सत्र में हमारी चर्चा का विषय रहेगा बच्चों में शब्दावली विकास हेतु क्रियाकलाप। किसी भी भाषा की शब्दावली वहां के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होती है जहां वह बोली जाती है। उदाहरण के लिए, अंग्रेज़ी भाषा के भारतीय प्रयोक्ता को संप्रेषण के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग अन्य भारतीय प्रयोक्ताओं से अनिवार्यतः भारतीय संदर्भों में करना होता है, क्योंकि कुछ शब्दों का प्रयोग, जैसे यहाँ के जो प्रयोक्ता हैं वो अलग तरीके से करते हैं, जो कि जो देशज अंग्रेज़ी है उस का प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ शब्दों का हम उदाहरणवश आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार शब्दों का रूप बदल जाता है। किसी भी विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के लिए हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर बालक का अधिगम विषय वस्तु पर हो गया है लेकिन प्रस्तुतिकरण के लिए उसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होता है, हमारे ये अच्छे शब्द ही हैं जो हमारी भाषा को, हमारी विषय वस्तु को बेहतर बनाते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम कुछ उन क्रियाओं का जिक्र करेंगे जिनसे हम बच्चों की शब्दावली में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से भाषा संबंधित खेल हैं। सबसे पहले हम बच्चों को एक क्रियाकलाप के लिए कहेंगे कि एक शब्द कोश तैयार करें। अलग विषयों के अंतर्गत बालकों को शब्द लिखने को कहा जाए, उदाहरण के लिए विद्यालय, घर, अस्पताल आदि। इससे उन्हें नए शब्द सीखने का उत्साह एवं प्रेरणा मिलेगी, जिससे उनकी शब्दावली में वृद्धि होगी। हम रोज़ अपनी कक्षा कक्ष में बच्चों को कह सकते हैं कि रोल नंबर से हर बच्चा एक नया शब्द देगा। इस तरह से 10 मिनट हम विषय वस्तु के दूसरे प्रस्तुतिकरण के लिए लगा सकते हैं और 10 जो मिनट हैं वो शब्द कोश तैयार करने के लिए लगा सकते हैं। हर बालक एक नया शब्द लाएगा और वो अपनी एक नई शब्द कोश तैयार करता जाएगा। इससे जब भी कोई उन्हें व्याख्यान करना है, कहीं बातचीत करनी है, कहीं वार्तालाप करनी है, तो उनका जो शब्द कोश तैयार होगा वो उनकी रोज़मर्रा के अभ्यास में आ जाएगा। क्योंकि शब्दावली कोई रातों रात वृद्धि नहीं होती है, रोज़ रोज़ उनका अभ्यास करना पड़ता है। और साथ ही बच्चों को ये बताएं, शब्द अकेले में अपना अर्थ याद नहीं रख पाते हैं, जब उनके वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो बेहतर तरीके से हमारी स्मृति में बने रहते हैं, स्थायी रूप से उनकी स्मृति रहती है। तो अर्थात अगर हमें बालकों की शब्द शब्दावली में वृद्धि करनी है तो पहला जो खेल या पहली जो क्रिया होगी वो बच्चों को शब्द कोश तैयार करने को कहा जाएगा। उसके लिए हम रोज़ नए नए तरीके, नए नए उदाहरण लेंगे, जिससे बच्चों को इसमें दिलचस्पी आती रहे, खाली केवल एक वो मशीनीकरण सा ना लगे, बच्चे बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लें। उनका अपना एक शब्द कोश तैयार होगा, उसमें वो चित्र भी बना सकते हैं, सुंदर तरीके से उसको सजा भी सकते हैं और हम बाद में उनका कोई मुकाबला करा सकते हैं, किस बच्चे का शब्द कोश में कितने शब्द हैं, किस बच्चे को कितने शब्द याद हुए हैं। इस तरह से शब्द कोश तैयार करने से बच्चों की शब्दावली में वृद्धि होगी। क्योंकि अभी मैंने आपसे बात की कि जब हम अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हम जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे हमारी भाषा में उतनी ही सामर्थ्य होगी, उतनी ही ओजस्वी होगी, उतनी ही बलशाली होगी। तो इसलिए बच्चों को नए नए शब्द तैयार करना सीखना होगा। अब है कुछ हम ऐसी घूमने वाली पट्टियाँ, मूवेबल स्ट्रिप्स जिनको अंग्रेजी में कहेंगे, ऐसी हम घूमने वाली पट्टियाँ बनाएंगे जिसमें हम उपसर्ग या प्रत्यय लगाएंगे, उसकी सहायता से नए शब्द सीखने में सहायता मिलेगी। जैसे हमने एक घूमने वाली पट्टी बनाई और उस पर एक शब्द लिखा कर्म, और उसके साथ हमने चार शब्द लिख दिए उस उपसर्ग के साथ, वीर, चारी, फल, निष्ठ। तो बच्चे इस तरह से चार शब्द बनाएंगे, कर्मवीर, कर्मचारी, कर्मफल और कर्मनिष्ठ। तो ये एक उपसर्ग का उदाहरण हुआ कि किस प्रकार बच्चे अपने शब्दावली में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों को ये खेल मिल जाएगा और खेल खेल में वो सीखेंगे, उनका मनोरंजन भी बढ़ेगा और उनमें थोड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो इस तरह हम गृह कार्य में भी दे सकते हैं कि जैसे आज हमने घूमने वाली पट्टी बनाई, सब इसको सुंदर तरीके से तैयार करेंगे, आज हमने उपसर्ग की सहायता से करें, कल और प्रत्यय की सहायता से ऐसे चार शब्द
उपसर्ग और चार शब्द प्रत्यय की सहायता से हर विद्यार्थी तैयार करके लाएगा। इस तरह घूमने वाली पट्टियाँ अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग रंगों की सहायता से बनाकर बच्चे इसमें उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और हमारा जो उद्देश्य है कि बच्चों को नए शब्दों का सीखने में सहायता मिले, हमारा वो उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। कुछ और खेल हम विविध रूप से खेल सकते हैं शब्दावली बढ़ाने के लिए। शब्दों के अक्षरों को दोबारा व्यवस्थित करके नया शब्द बनाना, जैसे हमने दो शब्द लिए जय और ला जला, अब जला को व्यवस्थित करो, पुनर्व्यवस्थित करके बच्चे ने शब्द बना दिया लाज। इस तरह हर बच्चे को हम कहेंगे कि हमने आपको एक उदाहरण दिया, पहले कक्षा में ही आप मेरे सामने कुछ शब्दों का चुनाव कीजिए और उनको व्यवस्थित कीजिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, बच्चों को अपने निर्देशन में शब्द देंगे कि ये शब्द है, आप इनको व्यवस्थित कीजिए। जब बच्चे हमें लगेगा कि इस लायक हो गए हैं कि वो हमारे निर्देशन के अनुसार इन शब्दों को व्यवस्थित पुनर्व्यवस्थित करके नया शब्द बना लेते हैं, फिर हम उनको कहेंगे शब्द भी आप ढूंढिए और उनको पुनर्व्यवस्थित भी आप कीजिए। तो हमारा क्योंकि उद्देश्य है कि बच्चों की शब्दावली में वृद्धि हो, लेकिन इसके लिए हमें नए नए क्रियाकलाप खोजने हैं ताकि बच्चों की उसमें दिलचस्पी बना रहे और बच्चे सोचें कि आज अध्यापक किस खेल के द्वारा हमारा मनोरंजन करेंगे। क्योंकि जब भी कक्षा कक्ष में सहजता का स्वाभाविक वातावरण होता है तो बच्चे सीखना पसंद करते हैं। जहाँ बनावट होती है वहाँ बच्चों के बीच में डर होता है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में एक दूरी बनी रहती है, उनमें सामंजस्य नहीं रहता। तो इस प्रकार से जो बच्चे बहिर्मुखी हैं वो तो सीख लेते हैं, परंतु जो अंतर्मुखी बच्चे हैं उनकी इस तरीके से जो मनोबल है वो कम हो जाता है और उनमें आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। तो इस तरीके की जब हम क्रियाएं सभी बच्चों को करने के लिए कहते हैं और सभी बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए कहते हैं, तो बच्चे जो अंतर्मुखी होते हैं वो भी कोई ना कोई क्रिया करके अपने मनपसंद जो काम है उसको करके भाग लेते हैं और शब्दावली में वृद्धि करना सीख जाते हैं। अब एक और हम उनको क्रिया दे सकते हैं, खाली स्थान भरो। जैसे हमने एक उनको क्रिया दी कि खाली स्थान भरने हैं, लेकिन वो शब्द लिखने हैं कि उस शब्द का आखिरी जो अक्षर है वो कै हो। तो हमने जैसे दिया, वह व्यक्ति जो शिक्षा देता है उसका आखिरी अक्षर होगा कै। तो बच्चे स्वयं अपना दिमाग लगाएंगे कि शिक्षा कौन देता है, किसको कहते हैं शिक्षा देने वाला, शिक्षक। तो बच्चों ने देखा, स्वयं ही एक दूसरे के उत्तर को चेक कर लिया कि शिक्षक का आखिरी अक्षर है कै। दूसरा, वह व्यक्ति जो चिकित्सा करता है, यहाँ भी आपने बच्चों स्थान भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, परंतु उस शब्द का आखिरी अक्षर कै हो। जैसे उदाहरण के लिए चिकित्सक, वह व्यक्ति जो मशीनें ठीक करता है, इसका जो अक्षर यहाँ पर रिक्त पूर्ति करेंगे उसका भी आखिरी अक्षर होगा कै। इस तरह बच्चे सीख गए कि वह व्यक्ति जो शिक्षा देता है शिक्षक, वह व्यक्ति जो चिकित्सा करता है चिकित्सक, और वह व्यक्ति जो मशीनें ठीक करता है मैकेनिक। तो इस तरह हमने खाली स्थान भरो की ये क्रियाकलाप करके बच्चों की शब्दावली में वृद्धि की। अब हम और अगले दिन उनको और तरह की क्रियाएं दे सकते हैं खाली स्थान भरोसे। जैसे हमने कैसे दिया, फिर हम दे सकते हैं कि जिसका आखिरी अक्षर से होगा, या हम पहला अक्षर दे सकते हैं। फिर जब उनका स्तर बढ़ जाएगा तो उस स्तर बढ़ने के बाद हम बीच वाला अक्षर है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह मनोरंजन भी होता रहेगा, बच्चे खेल खेल में इसको हम एक एक बच्चे को बिठा सकते हैं या क्लास के हम चार समूह भी बना सकते हैं। जब बच्चे समूह में करेंगे तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे और बच्चों को समूह में काम करके हिल मिलकर रहना भी आ जाएगा। क्योंकि हमारी शिक्षा का एक उद्देश्य है कि बच्चों का सामाजिकरण होना चाहिए, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग की भावना करना सीखें, तो सहयोग की भावना भी सीखेंगे और उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी। इसलिए शब्दावली वृद्धि के लिए हम एक एक बच्चे को कार्य भी दे सकते हैं और कुछ समूह भी बना सकते हैं। ये समूह हम कई बार रोल नंबर के आधार पर बना सकते हैं, कई बार नाम के आधार पर बना सकते हैं, कई बार हम उनका जो स्थान है बैठने का, आगे बैठने वाले बच्चों को पीछे बैठाए, पीछे वालों को आगे, ताकि सभी को बराबरी का हक मिलता रहे और कोई भी बच्चा उपेक्षित महसूस ना करे। तो इस प्रकार खाली स्थान भरो प्रतियोगिता से बच्चे जो हैं उनकी शब्दावली में भी वृद्धि होती है।
एक और हम उनको क्रिया दे सकते हैं। इस टेस्ट में उत्तर का अक्षर से ऐसे प्रारंभ होगा। वहाँ हमने उदाहरण दिया था कि वो अक्षर जिसका आखिरी, वो शब्द जिसका आखिरी अक्षर कैसे होता हो। यहाँ हमने कहा वह अक्षर जो अक्षर पहला अक्षर शब्द का होगा से। तो हमने एक वाक्य दिया वह व्यक्ति जो गहने बनाता है। यहाँ पर आपको शब्द भरना है और उस शब्द का पहला अक्षर स होना चाहिए। तो स्वर्णकार, वह व्यक्ति जो साधना करता है साधक, वह व्यक्ति जो संगीत का ज्ञान रखता है संगीतकार। इस तरह हमने पिछली जो विधि दी थी उसमें बात की थी कि उसका आखिरी अक्षर क्या होना चाहिए। यहाँ हमने खाली स्थान भरो में बताया कि यहाँ खाली स्थान भरना है परंतु उस शब्द का पहला अक्षर से हो। इस तरह बच्चे सीख गए। फिर हम कहेंगे इसी के आधार पर सभी बच्चे दो दो शब्द और बनाओ। फिर हम शब्द और बदल सकते हैं, जैसे पहला अक्षर हमने से किया था, हम जो है पहला अक्षर तय से रख सकते हैं, जैसे प्रगतिशील हो गया, प्रगति हो गया। इस तरह हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। बात वही है कि हमारा उद्देश्य तो यह है कि बच्चों की शब्दावली में वृद्धि करनी है, लेकिन उसके लिए हमें नए नए क्रियाकलाप ढूंढने हैं जिससे हमारा जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो उबाऊ ना हो, बच्चे उसमें दिलचस्पी रखें और रोज़ मन से चाव से कक्षा कक्ष में आएँ। ऐसा नहीं कि डर की वजह से आएँ, वो बेझिझक खुल कर आएँ ताकि उनका सीखने में मन लगे। अब जोड़े बनाना, जैसे हम दो श्रेणी में शब्दों को रख देते हैं। पहली श्रेणी जो हमने काले अक्षरों से लिखी है उसमें हमने गलत जोड़े बनाए हुए हैं, तो उन गलत जोड़ों को हमने सही करके लिखना है। जैसे हमने अनुज के सामने पराया, अमीर के सामने मूर्ख, अंधेरे के सामने अग्रज और अपना के सामने गरीब और चतुर के सामने उजाला रखा। फिर बच्चों को कहा जाएगा इनको सही क्रम में लगाइए कि अनुज किसके साथ आएगा, अग्रज के साथ, अमीर आएगा गरीब के साथ, अंधेरा उजाले के साथ, अपना पराया, चतुर मूर्ख। इस तरह हम बच्चों को नए शब्दों के द्वारा जोड़े बनाने के साथ साथ उनको ये सिखा सकेंगे कि किस शब्द का किसके साथ तालमेल है। तो प्रारंभ में प्राथमिक स्तर पर तो हम खुद ही शब्द देंगे और बच्चों को जोड़े बनाने को कहेंगे। जब उनका स्तर बढ़ जाता है तो स्तर बढ़ने पर हम उनको ये भी कह सकते हैं कि आप ऐसे 10 शब्द ढूंढ के लाओ अपनी कापी में, गृह कार्य के रूप में ऐसे शब्द लिख के लाओ। वो हम स्तर के अनुसार देखेंगे। ये याद रहे कि कोई भी अध्यापक जब बच्चों को किसी प्रकार की भी क्रिया करने के लिए देता है तो उसको ये आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि बच्चों का प्राथमिक स्तर क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है, उनका ज्ञानात्मक स्तर क्या है, क्योंकि स्तर को ध्यान में रख के ही हमें क्रियाकलाप को व्यवस्थित करना है कि किस बालक को क्या कार्य देना है। अब है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मानते हैं, जबकि उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। जैसे हमने दो शब्द बोले आदि और आदि। अब यहाँ उच्चारण सही होना चाहिए और हमारी लेखनी वर्तनी जो है वो सही होनी चाहिए। अब आपको बात बताएं कि प्राथमिक स्तर पर ही जब बच्चा लेखन में मात्राओं की गलती करता है तो अध्यापक का कर्तव्य है कि उसी समय जो लेखनी की वर्तनी है या उच्चारण है उसमें उसी समय सुधार करना चाहिए मात्राओं का, नहीं तो बाद में बच्चे इन गलतियों को यों का त्यों स्थानांतरित करते रहते हैं और उससे अगर बालक का विषय वस्तु पर आधिपत्य होते हुए भी क्योंकि उच्चारण में और लेखनी में वर्तनी में उनकी त्रुटियां हैं तो वो अपना एक तरह से मजाक उड़वाएगा क्योंकि वो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण भी गलत तरीके से करेगा। अब शब्द आदि और आदि, तो इसके उच्चारण में ही ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे दोनों शब्द देखने में मिलते जुलते हैं और हम एक ही मान लेते हैं, जबकि आदि जब इसकी वर्तनी में छोटी की मात्रा लगेगी तो उसका मतलब है आरंभ, और आदि में जब बड़ी की मात्रा लगेगी अभ्यास, जैसे कि आदिकाल की बात करें तो छोटी एक ही आई, जब हम आदि कि वह चाय का आदि हो गया है तो यानी कि वो उसका अभ्यस्त हो गया है। इसी तरह अंश, अंश और अंश, अगर उच्चारण में शय और सय इसमें कोई बच्चा त्रुटि करता है तो ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि वो अंश की बात कर रहा है या अंश की बात कर रहा है। जैसे यह ऋग्वेद का अंश है या
उसके अंश पर चोट लगी है। तो देखिए दोनों का अंतर कितना हुआ, क्योंकि वो उच्चारण की दृष्टि से अगर गलत उच्चारण किया तो वो ऐसे लगते हैं कि एक जैसे हैं, जबकि वो शब्द जो हैं उनकी मात्राएं भी अलग हैं और उनका अर्थ भी अलग है। केवल उच्चारण की दृष्टि से वो एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु एक जैसे नहीं हैं। तो इस तरह के शब्द बच्चों को दें, उनका अंतर करना सिखाएं, और जब बाद में उनका स्तर बढ़ जाता है तो उनको कहें आप ऐसे पांच पांच वाक्य अपनी कॉपी पर लिख कर लाएं। उसके लिए भी हम ग्रुप बना सकते हैं, कक्षा को दो समूह में बांट सकते हैं, तो इस तरह हम उनका मुकाबला, उनकी प्रतिस्पर्धा करा सकते हैं। पर वो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बच्चों में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को सिखाने का वो विफल हो जाएगा। अब साहचर्य से शब्दावली वृद्धि, कुछ शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे एक शब्द बोला तो उसके पर्याय जो शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द बच्चे के दिमाग में आने चाहिए। जैसे अहंकार, अहंकार से मिलते जुलते शब्द हुए घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प। तो बच्चा एक शब्द याद करेगा तो उसके जो सारे शब्द हों, क्योंकि सबसे पहले हमने क्रियाकलाप कौन सा बताया था कि बच्चे अपना एक शब्द कोश बनाएं, तो शब्द कोश में भी हमने अपने शब्द लिखवाए होंगे बच्चे को। तो अहंकार से जितने भी साहचर्य जिस जिस शब्द के मिलते जुलते हैं, घमंड, अभिमान, दंभ और दर्प। इसी तरह आँख के कितने पर्याय हैं, आँख, दृग, लोचन, नेत्र, नयन, विलोचन, ऐसे अनेकों शब्द हैं जो इससे साहचर्य रखते हैं। तो बच्चों की शब्दावली में वृद्धि होगी, जब वो अपना कहीं भाषण दे रहा है, वक्तव्य दे रहा है, जब वो नए नए शब्दों का प्रयोग करेगा तो विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो अधिक प्रभावशाली होगा। ऐसे ही एक और शब्द का मैं उदाहरण दे रही हूँ, आनंद। आनंद से मिलते जुलते शब्द प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, खुशी। इस तरह बच्चों की शब्दावली में वृद्धि हुई, और बाद में वही बात है, उनका स्तर बढ़ने के बाद उनको कहेंगे स्वयं से भी आप शब्द ढूंढिए। एक और क्रिया हम दे सकते हैं बच्चों को, शब्द परिवार। शब्द परिवार में हम किसी भी परिवार का एक शब्द देंगे और बच्चे उससे मिलते जुलते शब्द बताएंगे। जैसे हमने शब्द बोला विद्यालय, तो विद्यालय से जितने भी संबंधित शब्द हैं वो बच्चा बोलेगा, अध्यापक, चाक, विद्यार्थी, बोर्ड, कुर्सी, मेज, घंटी, चपरासी। ऐसे हमने उदाहरण के लिए और उदाहरण दिया कि अस्पताल, तो वो अस्पताल से संबंधित बोलेगा, दवाई है, डॉक्टर है, स्टेथोस्कोप है। तो इस तरह की जो सारी की सारी जो अस्पताल से संबंधित शब्द हैं वो सारे बोलेगा। फिर हमने रेलवे स्टेशन का एक शब्द बोला रेल, तो रेल से संबंधित वो बोलेंगे टिकट घर, चेकर, टिकट, यात्री, कुली। तो इस तरह से बच्चे सोच सोच के बोलेंगे। तो यहाँ हम उनके जोड़े भी बना सकते हैं, बच्चों के समूह बना सकते हैं, जैसे एक शब्द एक ने बताया फिर दूसरे ने उसकी मदद कर दी। तो इस तरह हम क्लास के चार समूह भी बना सकते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा करा सकते हैं, और मजाक मजाक में, खेल खेल में बच्चे शब्द परिवार की क्रिया के द्वारा उनकी शब्दावली वृद्धि हो जाएगी। अब है स्मृति द्वारा, यह भी एक बड़ी मनोरंजक क्रिया है। जैसे अध्यापक बोर्ड पर 5, 10, 15 जितने भी बच्चों का स्तर देख के शब्द लिखेगा, बच्चे 2 मिनट तक इसको देखेंगे, फिर अध्यापक बोर्ड से उन शब्दों को मिटा देगा। अब बच्चों को कहेंगे अपनी याद से 1 मिनट में आप कितने शब्द लिख पाते हो वो लिखिए, और ये देखा जाएगा कि प्रत्येक शब्द का एक नंबर दिया जाएगा। तो बच्चे ध्यान से उन शब्दों को पढ़ेंगे। ये कई बार ऐसा, जब हम उच्चतर स्तर पर आते हैं तो बच्चों का जो व्यक्तित्व टेस्ट होता है वो भी ऐसे ही किया जाता है, कि जैसे हमने 5 या 10 शब्द बोले और बच्चों को कहा जाए कि तुम, मैंने जो शब्द बोले थे उनका आप पुनर्उच्चारण कीजिए, तो जिस बच्चे का जैसा व्यक्तित्व है, माना हमने बोले प्रेम, श्रद्धा, त्याग, ईमानदारी, चोरी, तो जो बच्चा ईमानदार होगा वो सबसे पहले ईमानदार शब्द को बोलेगा। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व टेस्ट भी हम उच्चतर स्तर पर करते हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे थे शब्दावली में कि 5 या 10 शब्द लिखेंगे, बच्चा उसको पढ़ेगा, फिर उन शब्दों को मिटा दिया जाएगा, फिर अपनी याद से बच्चे एक एक शब्द लिखेंगे, जितने बच्चे ने शब्द लिखे उन सबका एक नंबर दे दिया जाएगा। फिर एक क्वीज टेस्ट, अलग समूह
के आधार पर, कक्षा के आधार पर या विद्यालय के आधार पर, यानी जैसे स्कूल शहर में 5 स्कूल हैं तो 5ों स्कूल की टीम बुलाई जाए। एक इकाई का क्वीज़ कर सकते हैं कि आज हम भूगोल के या हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पहली जो यूनिट है, पहली इकाई है, उसका टेस्ट होगा या पूरे विषय का टेस्ट होगा। इस तरह शब्दावली में भी वृद्धि होगी और एक तरह से बच्चों की परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। इसके लाभ क्या होंगे? बच्चा अध्ययन में नियमित रहता है, बच्चे को पता है कि एक माह ख़त्म होते ही इसका क्वीज टेस्ट होगा इस वाली इकाई का, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अध्ययन में नियमित रहेंगे। इससे उनको पुनर्बलन मिलता रहता है कि माना हमने अपने विद्यालय की एक टीम 4 बच्चे कक्षा में से चुनकर भेजने हैं, तो बच्चों को पुनर्मिलन बलन मिलेगा कि जो बच्चा सबसे अच्छा याद करेगा अध्यापक उसी को टीम में लेगा। इससे परीक्षा का डर नहीं रहता, बच्चों की तैयारी होती रहती है। तो क्वीज टेस्ट लाभ भी हैं और पर इसको आयोजित करने के कुछ सुझाव हैं। एक तो बात ये ध्यान रखी जाए जो पढ़ाया हुआ है वही पूछा जाए, ऐसे नहीं पढ़ा तो कुछ और रखा या बिना पढ़ाए में से पूछ लिया जाए तो बच्चा जो है घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। और विशिष्ट बात पूछी जाए, यानी कि जो बात पूछनी है उसी बात को स्पष्ट रूप से पूछा जाए ताकि हमारी बात के, हमारे प्रश्न के दो मतलब ना निकलें। जो बात हम बच्चे से पूछना चाहते हैं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, बिल्कुल वही विशिष्ट बात पूछी जाए ताकि बालक को ये समझने में दिक्कत ना हो कि क्या बात पूछी गई है। और साथ साथ परिणाम बताया जाए। आपने देखे होंगे जब क्वीज टेस्ट होते हैं, दो व्यक्ति स्कोर बोर्ड के पास खड़े रहते हैं और चाक से माना 4 टीम बनाई हुई हैं, कैक है, गैग है, तो कै टीम का कितना स्कोर हो गया, दूसरी का कितना हो गया, वो मिटाकर कम ज़्यादा करता जाता है। तो साथ साथ बच्चों को परिणाम बताया जाता रहे ताकि बच्चों को पता रहे हम कितनी गलतियां कर रहे हैं और कितनी नहीं कर रहे हैं। अब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषणात्मक पदबंध क्रिया पर आधारित होते हैं, जैसे सीता धीरे धीरे गा रही है। सीता गा रही है पर क्रिया विशेषण है, कैसे गा रही है? धीरे धीरे। वह तेजी से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है? तेजी से। रमेश सुबह सुबह व्यायाम करता है, बालक पढ़ते पढ़ते सो गया। फिर क्रिया से संज्ञा बनानी बताएं, कमाना कमाई, खेलना खेल, घबराना घबराहट। इस तरह हम उनको और शब्द दें। फिर विशेषण से उनको संज्ञा बनाने को कहें, जैसे अच्छा अच्छाई, आलसी आलस्य, ऊंचा ऊंचाई। अकर्मक से सकर्मक शब्द बनाना, जैसे हंसना हंसाना, चलना चलाना, लड़ना लड़वाना, सकर्मक क्रियाएं। फिर निम्न शब्दों के विशेषण बनाने, राष्ट्रीय राष्ट्रीय, रूप रूपवान, पूजा पूजनीय। इस तरह शब्दों के विशेषण बनाने को कहा जाए। फिर शब्द युग्म, जैसे जोड़े हैं शब्दों के, उपहास परिहास, कई बार एक दूसरे के स्थान पर त्रुटि से प्रयोग हो जाते हैं, तो उनके भी ये एक क्रिया कराई जाए। उपहास अपमान के लिए हंसी उड़ाना, परिहास हंसी विनोद करना मनोरंजन के लिए। फिर अमूल्य, जिसका मूल्य आंका न जा सके, बहुमूल्य बहुत कीमती। श्रम, केवल शारीरिक शक्ति से काम करना, परिश्रम शरीर और मन से कोई भी काम करना। ऐसे शब्द युग्म के द्वारा उनकी शब्दावली बढ़ाई जाए। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द दें जो सभी ए अक्षर से शुरू होंगे, जैसे जो अपनी बात से ना टले अटल, जिसकी तिथि ना हो अतिथि, बिना थके अथक, जिसमें धैर्य ना हो अधीर, बिना किसी नियम के अनियमित। ऐसे उनको और क्रियाकलाप दें। फिर शब्द परिवार, एक शब्द है मूल, उससे मिलते जुलते शब्द, अंग अंगहीन, अंग भंग अंगीकार, अंश अंशधारी, गद्यांश पद्यांश, सारांश, उत्साह उत्साहित, उत्साहपूर्ण हतोत्साह। ऐसे उनको शब्द परिवार के लिए और शब्द दें और बच्चे शब्दावली बढ़ा सकें। उपसर्ग से शब्द बनाने, उन उपसर्ग दिया, 1949 अन अनपढ़, अनमेल अनसुनी, भर भरपेट, भरपूर भरसक। इस तरह उपसर्ग शब्द देकर उनको शब्द बनाने के लिए। फिर पढ़ते, पढ़ते की वो अक्षर जिसका बाद में ती आएगा, गिनती घटती बढ़ती, जिसके बाद में ना आएगा खाना पीना चलना, बाद में आहट आएगा चिल्लाहट घबराहट मुस्कराहट। वाच्य परिवर्तन, मैंने पत्र लिखा, मुझसे पत्र लिखवाया गया, ये कविता उसने लिखी है, ये कविता उसके द्वारा लिखी गई है। शिकारी शिकार खेलते हैं, शिकारियों के द्वारा शिकार खेला जाता है। और अंतिम है निपात का अर्थ, जो अव्यय
किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसमें विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं, जैसे मोहन ही जा रहा है, ही निपात है, वह दिल्ली ही जा रहा है, मोहन क्रिकेट ही खेलता है, तो ये जो ही शब्द है वो निपात है। इस तरह आप सभी विद्यार्थी कल निम्न शब्दों पर 3 वाक्य बनाकर लाएं, जैसे अभी निपात की बात की थी तो उनको 3 शब्द दे सकते हैं कि आपने ऐसा वाक्य बनाना है, जैसे ही था, मोहन ही जा रहा है, तो भी पर वाक्य बनाना है जो निपात को स्पष्ट करे, ऐसे ही वाक्य बनाना है जो निपात को स्पष्ट करे तो वर्ड्स शब्द से। फिर है तक, तक से बनाना है, निपात करे कि आज तक तो आपने ऐसा नहीं किया। इस तरह उदाहरण देके उनको गृह कार्य के लिए कहें। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी ये जो क्रियाकलाप हैं वो बच्चों की शब्दावली को में वृद्धि करते हैं। अब ये अध्यापक की कार्य कुशलता, उसकी कौशल पर निर्भर करता है कि वो जो अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, ज्ञानात्मक स्तर, उनके कौशल, उनकी दिलचस्पी, उनकी रुचि का ध्यान रखकर किस प्रकार से कौन से क्रियाकलाप को आयोजित करता है, कैसे उनको समूह में बांटता है, किस तरह कौन से उदाहरणों के द्वारा उनको सिखाता है। क्योंकि शब्दावली में वृद्धि करना तो आवश्यक है, परंतु ये अध्यापक की कार्य कुशलता, उसकी कौशल पर भी निर्भर करता है। वो कैसे शब्दों का चुनाव करता है, किस स्तर पर बच्चों को सिखाता है। और ऐसा नहीं कि हमने एक बार शब्द कोश तैयार करा दिया, फिर बहुत दिनों तक उसका प्रयोग नहीं हुआ, तो फिर बच्चे क्या होगा, उनकी जो स्मृति है वो उसमें चली जाएगी, विस्मृति में बदल जाएगी। तो उसका धीरे धीरे प्रयोग भी करना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि ये सारी की सारी जो क्रियाएं हमने आपसे चर्चा की इस सत्र के दौरान, ये सब आपके लिए सहायक होंगी कि किस प्रकार बच्चों की शब्दावली में हम इजाफा कर सकते हैं। हाँ, फिर से मैं ये बात दोहराना चाहूँगी कि विद्यार्थियों की दिलचस्पी, उनका मनोरंजन, उनका स्तर बनाए रखने के लिए अध्यापक की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है कि वो कैसे उदाहरण लेता है, किस प्रकार प्रस्तुतिकरण करता है, और साथ ही बच्चों को ये भी बताता है कि शब्दावली हमारी अधिक अच्छी होगी, संपन्न होगी, समृद्ध होगी, तो हमारा जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली होगा। तो पहले शब्दावली का महत्व बताए और फिर उसके लिए क्रियाकलाप बताए, उसका प्रयोग करवाए, और साथ साथ उनका जो थोड़े थोड़े समय के बाद उनका प्रयोग करवाए। इस तरह से हम बच्चों की शब्दावली में वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद।